नमस्कार, स्वागत है आप सबका GBN24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। कोसी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण कोसी रौद्र रूप ले रही है। कोसी बैराज के सभी 56 फाटक को खोल दिया गया है। कोसी बैराज से आज सुबह 10 बजे 4,80,499 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है। कोसी बैराज की तस्वीर काफी भयावह लग रही है क्योंकि कोसी का पानी पुल को छूने के लिए बेताब है, लिहाजा लोग खौफ में हैं। हालांकि कोसी के बढ़ते जलस्तर को लेकर जिले में हाई अलर्ट किया गया है और अभियंताओं की टीम की कोसी तटबंध और स्पर की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। डीएम कौशल कुमार खुद विभिन्न स्परों और तटबंध का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा कोसी तटबंध के अंदर रह रहे लोगों से बाहर निकल जाने की अपील की जा रही है। लगातार इसको लेकर लगातार उन्हें निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोसी नदी के किनारों को खाली किया जाए। क्या लग रहा है यहाँ कोसी बराज का, क्या तस्वीर बना हुआ है? कोसी बराज का भयावह तस्वीर है और जिला प्रशासन एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा हर एक पब्लिक नागरिक को अलर्ट मोड में रखा गया। खास करके जो तटबंध के अंदर रहते हैं उन लोगों को सरकार के द्वारा और जिला पदाधिकारी के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि आप तटबंध के अंदर से निकल के ऊंची स्थान पर शरण ले लें, बाढ़ स्थल में रहे, क्योंकि अभी जो है फिलहाल बैरेज के 56 गेट खोल दिए गए हैं और 4,18,820 क्यूसेक पानी राइजिंग में किया गया है दर्ज। और नेपाल में लगातार बारिश होने के कारण बैरेज अपने उफान पे है और प्रशासन के द्वारा बोला गया कि आज 12 बजे से लेकर 2 बजे दोपहर तक बैरेज में 6,80,000 पानी छोड़ा जाएगा, जिस कारण आने वाले समय में ये आज के दिन बिहार के लिए काला दिन साबित हो सकता है, क्योंकि बैरेज की वो क्षमता अब नहीं है जो जिस समय बनी थी 9 लाख क्षमता थी और अभी 6 से 7 लाख क्षमता है। क्या लग रहा है इसको लेकर के जल संसाधन विभाग और प्रशासन की ओर से क्या पहल है, क्या किस तरह की निगरानी की जा रही है? जल संसाधन विभाग के तमाम इंजीनियर से लेकर बड़े पदाधिकारी तक और अनुमंडल प्रशासन के अनुमंडल पदाधिकारी लगातार रात से ही कैंपिंग कर रहे हैं। तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी अलर्ट मोड पे एक्टिव है। कोसी बराज के सभी लोग उपस्थित है। क्या नाम? दिव्यांशु शेखर। देखा जा रहा है कि पूरे कोसी बराज के 56 फाटक को खोल दिया गया है, जिस तरह से भयावह और डरावना तस्वीर बनी हुई है, क्या लग रहा है आपको? लोगों में भय व्याप्त है, क्योंकि जिस तरह से अभी वर्तमान समय में 4,18,000 क्यूसेक पानी कोसी बराज से होकर के बह रही है और 56 के 56 फाटक खोल दिए गए हैं, तो जितने भी लो लैंड भूमि में लोग हैं उनके लिए तो बहुत विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा और प्रशासन भी मुस्तैद है। लोगों को बताया जा रहा है कि ऊंचे स्थानों पर अपना अपना जगह ले लें, सुरक्षित रहें। क्या बताया गया प्रशासन के द्वारा जो है दिन के 12 बजे तक में जो है 6,81,000 पानी क्रॉस कर चुका है, क्या लगता है देखने से? नहीं, वर्तमान परिदृश्य को देख रहे हैं तो लग तो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति होने वाली है। अभी 4,18,000 क्यूसेक पानी बह रही है कोसी बराज से और 56 के 56 फाटक खोले गए हैं, तो डाउन स्ट्रीम में जो भी गांव देहात बसे हैं तो उनकी स्थिति तो बहुत बुरी होने वाली है। क्या नाम आपका? शारदा कांत झा। जिस तरह से लोगों के बीच में डर और भयावह तस्वीर देखने को मिल रहा है कोसी बराज का, क्या लग रहा है कि जिस तरह से प्रशासन ने अलर्ट किया है, क्या वो तस्वीर सामने आएगी? डरना लोगों का लाजमी है, क्योंकि अभी कोसी का जल स्तर जो है 4,18,000 क्यूसेक हो गया है। जो अनुमान लगाया गया था कोसी विभाग के द्वारा वो अनुमान एकदम सही हो रहा है। हो सकता है कि 6,81,000 भी पानी हो जाए। अभी देख रहे हैं आप कोसी बराज का 56 फाटक खोल दिया गया है। कोसी का अभियंता पूरा अलर्ट मूड में अभी कोसी बराज पे ड्यूटी कर रहे हैं। बीरपुर SDM भी अभी चौकसी बरत रहे हैं। कोसी के अंदर बसे गांव छितोनी, परसागढ़ी, हनुमान नगर, ये सब गांव के लोगों को कोसी के बाहर बांध पे निकाला जा रहा है। प्रशासन पूरा अलर्ट है। यहाँ कोसी बराज का क्या स्थिति बना हुआ है? कोसी बराज का स्थिति भी भयावह है। अभी आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से पूरा पानी लबालब भरा हुआ है। कोसी का जो बेसमेंट बना हुआ उसको छू के पानी बह रहा है। अभी आम लोगों के लिए किस तरह का माहौल हो सकता है, जो जिस इलाके को, जिस जिला को अलर्ट किया गया है? माहौल बहुत ही खराब हो सकता है। 2008 में जबकि 2,81,000 ही पानी था जो टूटा था, तो कई जिला प्रभावित हुआ था। अभी तो कोसी में 4 लाख से ऊपर पानी है, कुछ भी हो सकता है। क्या इसको लेकर के जल संसाधन विभाग किस तरह का पहल कर रहा है? जल संसाधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। पूरा अभियंता जो है कोसी तटबंध पे अपना कैंपिंग कर रहे हैं, लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और
ऊंचे स्थान पे जाने का अपील कर रहे हैं। अजय कुमार, कोसी बराज पर आप लोग अभी पहुंचे हैं, क्या स्थिति बना हुआ है जी? यहाँ तो अभी 4,18,000 पानी है सर, बहुत ज्यादा भयावह देखने को लग रहा है और डाउन स्ट्रीम में लग रहा है कि और इससे भी भयावह होगा। और 12 बजे अभी आना बाकी है, जो कि 6,81,000 का अनुमान दिया जा रहा है, उसमें अब क्या होगा कहना मुश्किल। अभी कितना फाटक खोल दिया गया? अभी सर 56 का 56 फाटक खुला हुआ है सर। क्या नाम आपका? ब्रजेश कुमार मेहता, भीमनगर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।